हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल क्या होता है। सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कोशिका के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसे बेसिक चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ये वीडियो पार्ट वन है, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे कि सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यानी इन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सेल क्या है, ये हमारे बॉडी का यूनिट है, एक यूनिट है, यानी कि सबसे पहली इकाई है, जब सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, यानी सेल से मिल करके हमारा बॉडी बना होता है। सेल से टिशू बनता है, टिशू से ऑर्गन, और पूरे ऑर्गन को मिला करके हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं, सेल को हम लोग बायोलॉजी में साइटो बोलते हैं। साइटो का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है, सेल का अध्ययन को इसीलिए हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। इसके जो जनक हैं उन्हें रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किया था। इसके बाद जीवित कोशिका का खोज लियोन हॉक ने किया था, एंटोनी, इनका पूरा नाम है एंटोनी इवान लियोन हॉक ने किया हुआ था। और जो वर्ल्ड की बात करें या फिर कहीं बात करें, पूरे बायोलॉजी में जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है, और जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 2 kg का होता है, तो वो सबसे बड़ा एक सेल है। वो मानव में अगर बात करें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो शुक्राणु होता है, जो मनुष्य में पाया जाता है, स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में उसको। और मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है, तो यहाँ पे देखेंगे। और मानव में सबसे लंबी कोशिका, यहाँ पे देखिए बड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे लंबी दिया हुआ है, यानी हम लोग देखें कुतुब मीनार जो है वो क्या है, लंबा है, और जो लाल किला है वो बड़ा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन होती है, ठीक है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। और यहाँ पे बात करें कि तेज विभाजन वाला कोशिका कौन सा है, यानी मनुष्य में ऐसा कौन सा सेल है, मनुष्य में ऐसा कौन सा सेल है जिसका विभाजन सबसे तेज होता है, तो इसमें लीवर का जो सेल होता है उसमें सबसे अधिक विभाजन होता है। यानी कि जैसे लीवर में अगर चोट लगता है तो आपके तुरंत भर जाता है, यानी कि अगर आपका उसमें घाव हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो वह जल्दी से भर जाता है वो घाव। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, फिर से राइट हो गया है। विभाजन रहित, यानी ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसमें विभाजन होता ही नहीं है, यानी कि अगर चोट लग गया यहाँ पे तो कभी भरने वाला नहीं है, तो ये न्यूरॉन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि सिर पे चोट लगने से आदमी डिलीट हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन जब जख्मी हो जाएगा तो न्यूरॉन सेल दोबारा नहीं बनेगी और याददाश्त चली जाएगी, आदमी वो हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग सेल के पूरे पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।